गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज से रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। मेरा चैलेंज है मैथ भाई नीतीश रॉय, यहाँ पे पूरा रीजनिंग मिलेगा और मैथ भी पूरा मिलेगा। मैथ में एडवांस मिलेगा, अर्थमेटिक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सीजीएल हो सीएचएसएल हो, ठीक है, एनडीए हो, ठीक हो, एनडीए हो, इसके बाद में हो गया रेलवे हो गया, फिर वो एनटीपीसी हो गया। यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाएंगे तो इसमें सब कवर होगा, ठीक है। मेरा चैलेंज है मैथ भाई नीतीश रॉय। चैलेंज के सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर हम पढ़ाएंगे रीजनिंग तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो तुम देख सकते हो रीजनिंग को, ठीक है। तो अच्छा से रीजनिंग पढ़ते हैं, पूरा टॉपिक को पहले देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। आते हैं दोस्तों, देखते हैं आज पढ़ने वाला है रीजनिंग। रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक देखते हैं दोस्तों। जैसे हो गया अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, क्यू एंड क्यूआइड, ठीक है, हो गया क्यू एंड क्यूआइड, फिर हो गया कैलेंडर, फिनल वर्बल पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है, नॉन वर्बल। उसके बाद में फिर हो गया डाइस दो प्रकार के, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ठीक है दोस्तों, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। फिर देखते हैं एक लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फिर देखते हैं मिसिंग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर, फिर हो गया सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर इस बार देखते हैं क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, फिर हो गया, फिर इतना टॉपिक है। फिर और देखते हैं, फिर क्लॉक हो गया,
इतना सारा टॉपिक है दोस्तों, और टॉपिक जो बचेगा सब पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। तो देखते हैं आज अल्फाबेट सीरीज से, आज अल्फाबेट सीरीज पढ़ने वाले हैं ये, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला को कॉन्सेप्ट देखते हैं पूरा, फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एक बार टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन। फिर एक बार में कोई भी बुक हो उठा के देखो, बनाकर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज चालू करते हैं अल्फाबेट सीरीज से। तो हेडिंग डालो दोस्तों अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज अल्फा वर्टिकल सीरीज, यानी अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। पढ़ने वाले कहा दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट सीरीज एबीसीडी जो होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो अल्फाबेट सीरीज कहते हैं इसको, ठीक है। ये 26 लेटर का होता है। कितना लेटर का होता है? 26 लेटर का। देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। तो एबीसीडी में 26 लेटर होता है। तो एम है 13 तरह को बांटता है, यानी कि यहां से लेकर के दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक 13 हो गया, ठीक है। फिर यहां से लेकर के यहां तक 13 हो गया, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक 13 हो गया, ठीक है। समझना, हर एक पॉइंट को समझना, ठीक। यहां से यहां तक लेकर के 13 हो गया, 13 लेटर हो गया, ये 13 ही हो गया, हो गया, बांट दिए हम लोग 26 को 13 को बांट दिए। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, अर्धांश, ठीक है, प्रथम अर्धांश। इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। क्या? द्वितीय, द्वितीय अर्धांश, ठीक है, समझ में आया। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां से इधर से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये बोलते हैं बायां छोर, यानी कि बायां छोर, इधर वाला को बोलते हैं बायां छोर, ठीक है, इधर वाला को बोलते हैं दायां छोर, दायां छोर, दायां छोर, समझ में आया। इसको बोलते हैं, अगर इधर से इधर पढ़ेंगे एबीसी तो हो गया बायां छोर, ऐसे पढ़ेंगे जेड बाई एक्स तो ये हो गया दायां छोर। देखो हाथ, देखो ये इधर से पढ़ेंगे तो दायां हो गया, दायां का हाथ है, दायां हो गया, और ये जो बायां हो गया, तो दायां छोर इसको बोलते हैं, बायां छोर इसको बोलते हैं, दायां छोर इसको बोलते हैं। तो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर पहला हो गया। अगर दोस्तों दायां, जैसे कि
दाया, दाया प्लस बाया, रहे। तो शुरू वाला से रिजल्ट देखते हैं, शुरू वाला से दाया प्लस बाया रहे तो आंसर होगा दाया में। क्वेश्चन हो गया दाया में, दाया में होगा, ठीक है। अगर बाया प्लस दाया रहे तो आंसर होगा दोस्त बाया में, समझ में, बाया में, समझना, ठीक है। अगर दाया प्लस दाया रहे तो आंसर होगा माइनस, माइनस में हो जाएगा, दाया प्लस दाया रहेगा तो माइनस में होगा, माइनस दाया, फिर बाया प्लस बाया, बाया प्लस बाया तो आंसर होगा माइनस बाया, ठीक है। ए याद करना दोस्तों, काहे कि ए याद रहेगा टोटल क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट नंबर पहला हो गया, ये कॉन्सेप्ट नंबर पहला हो गया और कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। अगर दाया प्लस बाया रहे, दाया प्लस बाया रहे तो आंसर दाया में होगा, पहला वाले के अनुसार जो पहला में लिखा रहेगा वही होगा, दाया लिखा रहेगा तो दाया आंसर में होगा, बाया लिखा रहेगा तो बाया आंसर में रहेगा। अगर दाया प्लस बाया रहे तो दाया होगा, और बाया प्लस दाया रहे तो बाया होगा, अगर दाया प्लस दाया रहे तो माइनस दाया होगा, और बाया प्लस बाया रहे तो माइनस बाया होगा। दोनों सेम में, दोनों सेम रहे तो घटाते हैं दोस्तों, और दोनों अलग रहता है तो जोड़ते हैं, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं, ये मिटा देते हैं, अब देखते हैं आगे। देखते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ अल्फा वर्टिकल सीरीज, सीरीज टाइप ऑफ अति अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रकार, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रकार, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि ए बी सी रहे, एक्स वाई जेड है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछ सकता है। फिर इसको इधर ले आ सकता है, इसे पूछ सकता है कि जेड वाई, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, और इसको भी पूछ सकता है सी बी ए, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है सी बी ए, यानी एस सी बी ए पूछ सकता है, ठीक है, इस प्रकार पूछ सकता है। फिर आगे पूछ सकता है ई बी, बी डी एफ, वी डी एफ, बी डी एफ पूछ सकता है, बी डी एफ, तो बी डी एफ पूछे तो ये इवन से होगा। अगर ए सी डी, ए सी ई पूछे तो ये ऑड से होगा, ऑड से होगा, ठीक है, ए सी पूछे तो ऑड से होगा। अगर कोई लेटर ए से लेकर के, ए से लेकर, ए से लेकर के एम तक है, ठीक है, और एन से लेकर के जेड तक है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। अगर यही लेटर को पलट दे, जैसे कि एम से लेकर के, एम से लेकर के ए तक पूछे
या जेड से लेकर के एन तक पूछे, ठीक है। अगर एक ही लेटर पलट है यानी कि ए से लेकर के एम तक पूछे और इसको पलट दे यानी कि जेड से लेकर के एन तक पूछे, तो के प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। एक दो तीन चार पाँच छ सात, जैसे ए बी सी पूछ सकता है कि ए बी सी कितना नंबर पे है, बी कितना नंबर पे है, सी कितना नंबर पे है, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि उल्टा पूछ सकता है, इधर से वाई जेड वाई एक्स से पूछ सकता है, जेड वाई एक्स से यानी कि वो प्लेट दे सकता है, इधर वाले ही प्लेट दे सकता है। फिर वो पूछ सकता है कि बी से स्टार्ट करते हुए हर एक अगला लेटर को हटा दिया जाए, ठीक है। फिर पूछेगा कि ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए हर एक अगला लेटर हटा दिया जाए तो आंसर क्या होगा। फिर कहेगा कि प्रथम अंशांश और द्वितीय अंशांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा। फिर बोलेगा प्रथम अंशांश और द्वितीय अंशांश को विपरीत क्रम लिखा जाए तो आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा हो गया दोस्तों, याद रखना है कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा हो गया। तो अगर ए बी सी डी पर कितना नंबर पे, ये याद करने के लिए एक होता है ई जी ओ टी, ई जी ओ टी, ठीक है, ई जी ओ टी होता है, ई जी ओ टी होता है। जैसे कि ई कितना नंबर पे है, ई कितना नंबर पे, ए बी सी डी ई एफ, जैसे कि ई पांच नंबर पे है, ठीक है, और जे कितना नंबर पे है, दस नंबर पे है, ओ कितना नंबर पे है, पंद्रह नंबर पे है, टी कितना नंबर पे है, बीस नंबर पे है, और वाई कितना नंबर पे है, पच्चीस नंबर पे है, ठीक है। अगर हमको एफ पूछे, ठीक है, तो एफ कितना नंबर पे होगा, तुरंत बोलेंगे कि ई एफ, तो पाँच ई पाँच नंबर पे है तो एफ छः नंबर पे होगा। आई जे अब पूछा के कितना नंबर पे है, तो दस नंबर पर जे है तो आई जे के ना ग्यारह नंबर पे हो गया। अब पूछा कि आर आर तो टी क्यू पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर पी क्यू आर, तो आर कितना नंबर पे, अठारह नंबर पे, तो एस टी, ठीक, आर आर एस टी, तो देखिए आर अठारह नंबर पे, तो एस टी, तो टी कितना नंबर पे, बीस नंबर पे। तो जैसे कि वाई कितना है तो पच्चीस नंबर पे, तब पूछा कि जेड कितना नंबर पे, तो छब्बीस नंबर पे, ऐसे याद करना है। पूछे कि ए बी सी डी का जो कितना कितना नंबर है वो सब याद रहना चाहिए एकदम कंठस्थ, ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक पीडीएफ से क्वेश्चन ले रहा है, देखिए पीडीएफ से क्वेश्चन ले रहा है, देखिए अब क्वेश्चन पूरा बनाते हैं। एक पूरा पीडीएफ है, ये पूरा पीडीएफ बनेगा, पीडीएफ देख रहा है, एसएससी का है, एसएससी का जो सीजीएल होता है ना, एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर जो बनता है, इसका समझो पीडीएफ ही, ये देखो, ये देखो दोस्तों कैरियर बिल का पीडीएफ है, कैरियर बिल का, सोच लो यहाँ पे इतना लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं, देखो दोस्तों पहला नंबर से क्वेश्चन बताते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्ण माला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, यानी कि बाएं बाएं से चौथे, बाएं से चौथे के दाएं दाएं छठा होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं से छठा होगा, बताओ।
आप तरीका इसे बनाए, बोल रहा है बाएं से, यानी बाएं से इधर से बोल रहा है कि ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके है, डी डॉट 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 एक्स वाई जेड है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ देख ध्यान देना, यहाँ क्या बोल रहा है, बाया बाया है, तो बाया कहाँ है, यहाँ, यहाँ से बोल रहा है कि चौथा, यानी चौथा नंबर पे कौन है, ठीक है, बाएं से चौथा नंबर पे और दाएं से छठा नंबर पे, इधर इधर से छठा नंबर पे क्या है, यही पूछ रहा है, यानी कि बाएं से चौथा नंबर पे और दाएं से छठा नंबर के में कौन है, तब देखते हैं। हम बताए थे दोस्तों कि अगर दाएं दाएं प्लस बाएं रहे तो आंसर होगा दायां, दाएं होगा ये, ठीक है। फिर बोले कि बाएं प्लस दाएं रहे तो आंसर बाएं से होगा, प्लस में दोनों डिफरेंट रहेगा तो प्लस होगा, अगर दोनों सेम रहेगा जैसे कि दाएं प्लस दाएं, ठीक है, तो माइनस दाएं, माइनस दाएं, ठीक है। फिर रहेगा बाएं प्लस में बाएं तो माइनस बाएं, ठीक है दोस्तों। तो देखना बाएं है तो बाएं लेते हैं, बाएं बाएं से कितना है दोस्तों, चार है, चार है, कितना है चार, ठीक है। फिर दाएं से कितना है दोस्तों, दाएं से है छह, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग है, देखो बाएं और दाएं, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, छह चार दस, दस, तो दस कहाँ से आया, पहला वाला आंसर, दस कहाँ से, बाएं से, ताकि बोले थे जो शुरू में रहे, जो शुरू में रहे यही आंसर होता है, ठीक है। तो शुरू में हम लोग का बाया है, तो दस नंबर पे कौन होगा दोस्तों, जे, दस नंबर पे कौन होगा, जे, जे हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप वन का क्वेश्चन था, टाइप वन का क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, टाइप वन का क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, देखिए देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर पांचवें के दाएं, कौन सा अक्षर बाएं, बाएं पूछ रहा है, यानी कि बाएं, बाएं से पश्चिमें, पश्चिमें, बाएं से पश्चिमें, ठीक है, बाएं से पश्चिमें के दाएं दसवां, दसवां होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पिछले वाला सेम क्वेश्चन, खाली बस यहाँ पे चार था तो यहाँ पे पांच है, वहां पे छ था तो यहाँ पे दस है, बस। तो हम क्या देखेंगे, हम लोग पहले कि बोल रहा है दाएं से बाएं से, बाएं से पचमा और दाएं से दसवां पूछने देंगे, बस हम क्वेश्चन जो पूछना पहले देखेंगे कि बाएं से पचमा और दाएं से दसवां, तो बाएं से पचमा, बाएं से देखेंगे देखेंगे बाएं से कितना हो जाएगा पचमा, ठीक है। फिर दाएं से दसवां, अब दोनों अलग अलग है, बाएं दाएं अलग अलग है दोस्तों, देखो बाएं और दाएं अलग अलग है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, पंद्रह, ठीक है। तो कहाँ से आएगा, बायां से, बायां से पंद्रह,
माया से 15, 15 पे कौन दोस्तों, 15 पे कौन है वो हम लोग का आंसर हो गया। 15 पे कहा था वो तो हो गया आंसर, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखते हैं दो हो गया, अगला देखते हैं, ठीक है। जो अल्फाबेट सीरीज है ना दोस्तों, लगभग 2 से 3 क्लास में समाप्त कर देंगे, 2 से 3 क्लास में समाप्त कर देंगे पूरा। अगर 2 से 3 क्लास पढ़ लिया तो समझो कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम हो नहीं छूटेगा क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज से, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज के बाद पढ़ाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्यू एंड क्यू वाइड, इसके बाद पढ़ाएंगे डाइस, लेटर सीरीज पढ़ाएंगे, फिर नंबर सीरीज पढ़ाएंगे, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर मैथ भी पढ़ना है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करो, नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट से स्टार्ट किए हैं, मैथ जो नंबर सिस्टम होता है यूनिट डिजिट इससे स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और पहले नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया जाएगा, इसके बाद में फिर नंबर सिस्टम में पढ़ाया ख़त्म हो जाएगा तो एडवांस पूरा पढ़ाया जाएगा। एडवांस में जैसे हो गया ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, फिर हो गया ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसे हम पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इसे हम पूरा पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यही दोस्तों यही क्वेश्चन आगे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तीसरा क्वेश्चन ले लो, तीसरा क्वेश्चन ले लो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यहां कर दें, बाएं से दसवें, ठीक है, बाएं से दसवें के बाएं से 15वां होगा। तो देखिए दोस्तों, बाएं से दसवें, दाएं से 15वां, ठीक है, तो बाएं से दसवें, तो बाएं से दसवें ले लेते हैं। ठीक है, बाएं से दसवें ले लिए, फिर दाएं से 15वें, दाएं से 15वें लेते हैं, दाएं से 15वें, दाएं से 15वें, ठीक है। इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसको, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो कितना हो गया 25 होगा, यानी 25 होगा दोस्तों। अब किधर से, राइट से कि लेफ्ट से, तो बाएं है, यानी कि लेफ्ट से, बाएं से, बाएं से हम लोग आंसर आया। अब बाएं से जाओ, बाएं से जाओ, यानी कि ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, यानी इधर से इधर जाओ, यानी कि 25वां नंबर पे कौन होगा, तो 25वां नंबर पे कौन हो जाएगा, अरे 25वां नंबर भाई यही ना है, आओ 25वां नंबर पर ये है, 26वां नंबर पे ये है, 25वां नंबर कितना नंबर पे है, बाई हो गया, बाई आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें, यानी कि बोला दाएं से पांचवें, ठीक है, दाएं से पांचवें के बाएं छठे होगा, दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा। फिर पूछ रहा है दाएं से पांचवें के बाएं छठा में छठवें होगा। अब देखना दोस्तों, बोर्ड आया क्या बोला कि दाएं से पांचवें,
दाएं से पूछा, फिर बाएं से छठे में, इतना हुआ। लिखते हैं पहले दाएं, दाएं से कितना नंबर पे, पांचवें नंबर पर, कि बाएं से, बाएं से छठे नंबर पर, दोनों का प्लस होगा दोस्तों, ये तो पता है। तो पाँच छः, छः पाँच ग्यारह हो जाएगा दोस्तों, लेकिन कहाँ से, दाया, दाएं से, दाएं से होगा ना, ठीक है, दाएं से कितना नंबर पे, ग्यारह पे। अब बताना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। अगर हम लोग का दाया नहीं बाया से पूछ रहा था तो ड्रेक बता रहे थे, सोचना, आप पूछ रहा है ना कि दाया से कितना नंबर पे आएगा, बाया से पूछ रहा था ड्रेक बता रहे थे, अब पूछा कि बाया से पूछ रहा था ड्रेक बता रहे थे, अब दाया से पूछा। अगर दाया से पूछा ना दोस्तों, तो हमेशा 27 में से जितना राइट आए, जितना राइट आए उतना घटा देना है, ये क्या आंसर आ जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में आ जाएगा, कितना है, लेफ्ट हो, लेफ्ट में लाना है, तो 27 में से जितना दिया हुआ है और जितना दिया हुआ और जितना घटा दो, लेफ्ट में आ जाएगा। अब देखना, लेफ्ट लाना है, लेफ्ट लाना है, तो 27 है, 27 में से दायां घटाएं, दायां कितना हुआ है, 11, बताना 27 में से 11 घटेगा कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। लेकिन कहाँ से आया, लेफ्ट से आया ना, लेफ्ट से। अगर लेफ्ट को राइट करना है, लेफ्ट को राइट करना है तो 27 में से घटाते हैं, ठीक है, 27 में से घटाए हैं तो लेफ्ट आया है, ठीक, तो कितना आ गया है, 16 आ गया है, तो 16 कितना आया है, लेफ्ट से 16 आ गया है, तो 16 नंबर पे कौन है दोस्तों, बताना 16 नंबर पे क्या है, देखना दोस्तों 16 नंबर पे कौन सी है, देखना एम एन ओ पी, तो पी, पी नियम कितना नंबर पे हो दोस्तों, 16 नंबर पे, 16 नंबर पे कितना है, पी है, समझ में आया, 16 नंबर पे क्या है, पी, समझ में आया। यहाँ दाया से पूछा, हमेशा दाया से पूछे तो 27 में से जितना घटाना है, यहाँ लिख लो, अगर लेफ्ट में चेंज करना हो, लेफ्ट में चेंज करना हो तो 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट, ठीक है, यहाँ लिख लो, अगर अगर दाया को बाया में जब हम बदलते हैं तो 27 माइनस राइट, यानी 27 माइनस राइट करते हैं, ठीक है। अगर दाएं से बायां में जब हम बदलते हैं तो 27 माइनस आर करते हैं, तो लिख लो दोस्तों 27 माइनस आर करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सब टाइप वन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, कौन सा अक्षर
बाएं से सत्तवें के बाएं बाएं सत्रहवां होगा। अब आगे देखना दोस्तों, क्या बोल रहा है, बाएं से सत्तवें, समझना, ये मत सोचना कि सब एक रैगन क्वेश्चन है, सब ध्यान से देखना और एक कॉपी में जैसे लिख रहे हैं वैसे क्वेश्चन को लिखना और नोट्स बनाना, क्योंकि ये हर क्वेश्चन अलग अलग बता रहा है, ठीक। क्योंकि एक वो होते हैं कि मतलब कि एक टाइप का क्वेश्चन ढेर सारा 10-15 को बता दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइप का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बहुत काफ़ी होता है, एक टाइप का एक क्वेश्चन चाहे दो क्वेश्चन बना लोगे तो दिमाग में रहेगा कि हाँ कहे कि देखो अगर क्वेश्चन के 10 को देखो, 10 क्वेश्चन बनाओ चाहे दो क्वेश्चन बनाओ, दो गो को बार बार देखेगा तो जल्दी याद होगा। अब यही चीज़ बात कि 10 बार देखेगा, 10 मैंने 10 गो के देखेगा तो टाइम कम ज़्यादा लगेगा, लेकिन दो गो देखेगा तो यही टाइम आ जैसे 5 मिनट में 10 गो के देखें जल्दी नहीं याद होगा, लेकिन 5 मिनट में 2 गो के देखेंगे ज़्यादा फोकस होगा, तो हर टाइप का 2 क्वेश्चन करेंगे। तो मस्त कॉपी बनाओ और इसमें जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन के नंबर दे दो और क्वेश्चन के भी उतारो और सॉल्यूशन भी उतारो, ठीक। तो देखते हैं दोस्तों आगे पूछ रहा है कि बाएं से सतमा, ध्यान देना, बाएं से सतमा, बाएं से सत्रहवां। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम हो गया, देखना दोनों बाएं बाएं हो गया, बताना। बाएं से कितना है, 7 है, फिर कितना है, बाएं से कितना है, 17 है। अब क्या होगा, माइनस, बताना, 7 में से माइनस 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से माइनस 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 10। कहाँ से आया दोस्तों, लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से माइनस 10। अब लेफ्ट से माइनस 10 तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, घबराना नहीं है, माइनस 10 आया था, ठीक है। क्या करना है कि अगर कोई भी माइनस में आए, ठीक है, अगर कोई भी माइनस में आए तो जितना माइनस आया है वो 26 गो लेटर होता है अल्फाबेट का, 26 गो लेटर होता है, 26 में से जितना माइनस आया है उतना घटा देंगे, ठीक है, वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे कि एल से लेफ्ट से आया कितना, 26 गो है लेटर और माइनस 10 कर देंगे, ठीक है, तो एल से कितना आ जाएगा, 16 लेटर। तो 16 नंबर पे कौन है दोस्तों, बताना, 16 नंबर पे कौन है दोस्तों, पी, 16 नंबर पे कौन दोस्तों, पी आंसर हो गया। बस कहाँ पूछ इतना है, अगर माइनस में रहे तो 26 में से घटा देना है, अगर माइनस में रहे तो 26 में से घटा देना है जितना आया है उतना, ठीक। तो 16 नंबर पे पी है, पी आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरह का एक ऑप्शन में देखते हैं, देखते हैं, इसको जहां पर दे दिया 9, ठीक है, और इसका जहां पर हो गया 7, तब बनाओ के देखो, ट्राई करो दोस्तों, ट्राई करके देखो, देखो ट्राई करके, तो चलो चलते हैं देखते हैं। अब बाएं से 9 में, यानी कि राइट, बाएं को बायां, बायां, लेफ्ट दायां, दायां राइट, आप ले सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, दायां बायां को लेफ्ट राइट से दिखा सकते हैं, ठीक है,
तो बताना। लेफ्ट से कितना है दोस्तों? 9 है और लेफ्ट से कितना है? 7 है। अब बताना माइनस, लेफ्ट से माइनस आया कितना? प्लस आया ना, माइनस आया ना, तो कितना आया? प्लस में आया कितना? 2। बताना प्लस में आया 2। कहा है कि 7 में से दोनों सेम ही है, लेकिन जो 9 है 9 में से 7 को घटाए हैं, तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। 2 क्या आएगा? प्लस में, प्लस में आएगा। तो प्लस में जब आ ही गया दो नंबर पे तो हम नहीं घटाएंगे क्योंकि प्लस में आएगा, माइनस में रहेगा तो 26 में से घटाएंगे। प्लस में आएगा 2, लेफ्ट से 2 आएगा तो ए बी सी, तो 2 कितना नंबर पे है? 2 नंबर कौन है? बी। बी हो गया आंसर, तो यहाँ पे क्या आया? बी आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगर यही क्वेश्चन रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं दे करके नहीं दायां दे दे, अब बताना सो यहां दे दे दायां, क्या दे दे दोस्तों? दाएं, दाएं से 9 में। ठीक है, दाएं से 9 में, और दाएं से यहां 15 में दे दे। ठीक है, दाएं से 15 में दे दे, दाएं से 9 में के दाएं से 15 में होगा कौन सा लेटर होगा? अब देखते हैं कि दाएं पूछा, दाएं से राइट दे दो, सबसे छोटा राइट दे दो, राइट से कितना नंबर पे? 9 नंबर पे। अब फिर है राइट से कितना नंबर पे? 15 नंबर पे। दोनों सेम है तो माइनस होगा, तो 6 आएगा आर से, माइनस 6 आएगा राइट से आएगा। ठीक है, तो माइनस 6 आया लेफ्ट से, लेकिन दोस्तों ये गलती मत कर देना क्योंकि ये राइट है। ठीक, अगर लेफ्ट से पूछता, अगर लेफ्ट से पूछता, लेफ्ट से रहता कि माइनस 6 है तो 26 में से 6 घटा देते हैं, 20 आएगा, तब 20 है तो 20 टी हो जाएगा आंसर, टी हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट रहे तब 26 में से घटाएंगे, अगर राइट माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे? लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आ गया माइनस में, तो हम क्या किए? 26 में से 6 घटा दिए जितना है जितना, तो 20 आया, तो 20 टी नंबर पे आता है, टी टी है जो 20 नंबर पे आता है, तो इसको हम लिख दिए, तो ये तो ठीक है। लेकिन दोस्त यहाँ पे आ रहा है, यानी कि राइट साइड से आया, इधर से आया है, एक्स वाई जेड इधर से आया है। अगर इधर से चले तो 26 में से घटाए थे, कुछ भी हो राइट दिया हुआ चाहे लेफ्ट कुछ भी तो घटाए थे। अगर इधर से चलना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना दिया हुआ है उतना 26 में से, 26 में से क्या कर दें? 26 में जोड़ दें, कितना कर दें? जोड़ देते हैं, 26 में जितना है उतना जोड़ देते हैं, तो 26 में से 26 को लेटर है तो 26 को में 6 को जोड़ते हैं, 6 को प्लस करेंगे तो 26 6 कितना हो जाएगा? 26 6 32 होगा, लेकिन 32 को लेटर है, 32 को लेटर आया, लेकिन 32 को लेटर आया है तो 32 को लेटर तो होबे नहीं करता है, बात तो ये भी है 32 को तो होबे नहीं करता, यहाँ तो 26 होता है, तो 26 को से जितना ज़्यादा होए, ठीक है, जितना ज़्यादा होए उतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 को से जितना ज़्यादा होए उतना ही आंसर हो गया, तो 26 को से कितना ज़्यादा है? 6 को, तो 6 9 में कितना आंसर हो गया दोस्तों? 6 9 में कितना होगा? एफ, 6 9 में कितना हो जाएगा? एफ, दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
चौथा क्वेश्चन हो गया था ना, चौथा पांचवा क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पंद्रहवें के दाएं से पंद्रहवा होगा, बाएं से। अब देखते हैं, अगला देखते हैं दोस्त। अंग्रेजी वर्ण माला माला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर बाएं से छठ में के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ये भी बदल गया। पहले जो पिछले क्वेश्चन बना रहे थे, यहाँ पे दो को पूछ रहा था, जैसे पूछ रहा था दाएं से और बाएं से, फिर एक वाव आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, दाएं से कितना, बाएं से छठे, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, बाएं से छठे, दाएं से चौथे, फिर यहाँ के बाएं से तीसरे। अगर क्वेश्चन में तीन को दिया रहो चाहे दस को दिया रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम इजी है दोस्तों, खाली समझो, खाली बस समझने का खाली फेर है, इजी है। अगर तीन को दिया रहे तो दोस्त इससे कंपेयर करना है, पहले भी तो इसी से कंपेयर कर रहे थे, शुरू वाले से कंपेयर कर रहे थे, अगर शुरू में बायां रहे दायां रहे तो आंसर क्या देते थे, बाएं देते थे ना, तो इस कैसे आंसर हुआ, कंपेयर किए इसी से ना, कंपेयर किए पहले उस के अनुसार से आंसर आया ना, पहला है बाएं तो बायां आंसर होगा, और पहला दायां रहेगा तो दायां आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार से यहाँ पे क्या है, बायां है, तो जितना बायां रहेगा, जो सबको माइनस कर दो, अगर दोनों सेम वाला को माइनस करते हैं ना और डिफरेंट वाला को प्लस करते हैं ना, तो जितना बायां रहे वो सबको माइनस करो और जितना डिफरेंट दोनों रहे जोड़ दो, बताना, सोचना। बायां से आंसर लिए हैं, बताना कि बायां से कितना है, छठा। अब दाएं है, देखो बाएं दाएं अलग है, बाएं और दाएं अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं ना, फिर प्लस की माने से पता नहीं है। अब आगे देखते हैं बाएं, अब देखना बाएं दोस्तों, बाएं तो बाएं दोनों एक रह गए तो माइनस करेंगे तीन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सात आंसर होगा, सात होगा इसका, तो बाएं से कितना हो जाएगा, सात होगा, नहीं समझ में आया दोस्त, जो शुरू में रहे इससे कंपेयर करना है, ठीक है। अगर ये बायां है तो जितना बायां आए सबको माइनस कर दो, और दायां आए इसको प्लस कर दो, दोनों सेम चीज में जुटता नहीं है, सेम चीज में घटता है और डिफरेंट चीज में जुटता है, पता ना, एक एग्जांपल। अब प्लस माइनस है, दोनों जुटेगा ना, बताना जुटेगा ना, प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, जो अट्रैक्शन होता है ऐसे दोनों का, प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब यही प्लस प्लस रहे, अब दोनों पल से है, दोनों भागते ना, ये दोनों भागते कि ना भागते, ये दोनों ऐसा टाइप ही छिटक के भागते ना, तो यही यहाँ है कि अगर बाएं रहे तो दोनों अलग भटेगा, भागेगा, बोला कि हमारा भगाओ, यानी माइनस होगा, और यही दोनों डिफरेंट रहे, बायां दाएं रहे तो दोनों सटेगा, आओ आओ सट, मतलब कि सटेगा, इसको सटाते हैं हमको में,
ठीक है, जैसे लड़का लड़की की देखा है, जो लड़की रहती है नेगेटिव रहती है, लड़का रहता है पॉजिटिव रहता है, ठीक है, दोनों अट्रैक्शन होता है, प्यार मतलब समझना ना, अट्रैक्शन तो ही अट्रैक्शन होता है लड़के लड़की में। अब देखा है कभी कि लड़का लड़का में अट्रैक्शन होता है? नहीं ना, नहीं होता है, क्योंकि अरे दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों कुछ नहीं कर सकता है। सही से लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है, यह भी है। मान लो कि लड़का है आई लड़की है, लड़का है या लड़की है, लड़की है, दोनों का अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, तो यही है। फिर से चलाते हैं, देख लो एक बार, एक बार देखो, एक बाएं है, ठीक है, बाएं से कितना नाप है, छठे है, ठीक है, फिर दाएं है, दाएं से कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे है, फिर कितना है, बाएं, बाएं से कितना नंबर पे दोस्त है, तीसरा नंबर पे है ना। अब बताना ये दोनों तो जुट जाएगा, घट जाएगा, देखो दोनों अलग है, बायां दायां अलग है, दोनों के जुट जाएगा ये घट जाएगा, तो बताना इसके अनुसार से आंसर होगा, ऊपर का वाला से जो शुरू वाला से आंसर, शुरू वाला ये आंसर बायां होगा यानी कि लेफ्ट में होगा। सोचना तो छः चार दस में से तीन घट गया, नौ बच गया, समझ में आया दोस्तों, तो नौ नौ पे कारण होगा दोस्तों आई, नंबर पे आई आएगा, आई हम लोग का आंसर हो गया। अब समझ में, आशा करते हैं दोस्त कि अब समझ रहे होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये छठा हो क्वेश्चन नंबर छठा हो गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्ण माला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं से सप्तमी के दाएं, छठे के दाएं चौथा होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि अब देखना यहां पे क्या बोला है, बाएं से सप्तमी, फिर दाएं से छठे, फिर दाएं से चौथे, पहले लेते हैं आंसर, पहले वाला आंसर होता है बायां है लेफ्ट है, यानी कि दायां बायां, दायां बायां जुटेगा, सात प्लस में छ और दायां दायां बायां, दायां बायां ये भी जुट जाएगा, ठीक है, चार बताना लेफ्ट से कितना हो जाएगा, छ चार दस यानी सत्रह, सत्रह पे क्या हो दोस्तों, सत्रह पे क्या है क्यू, सत्रह पे क्या आता है दोस्तों क्यू, क्यू आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अब समझ में आ गया अच्छा से, ठीक, देख लो एक बार बढ़िया से। हमेशा क्या करना है, शुरू वाला से लेना है, शुरू वाला से लेना है, सबके कंपेयर करना है शुरू वाला से, का जितना दोनों को मिल जाए, दोनों मिल जाए तो क्या करना है, माइनस करना है, अब दोनों डिफरेंट रहे तो क्या करना है, प्लस करना है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां पे, क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं,
अंग्रेजी वर्ण माला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अक्षर बाएं से छठे के दाएं पांचवें के दाएं चौथे के बाएं चौथा होगा। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर भी डिफरेंट हो गया। ठीक, देखो पहले तीन को बद दिया था, अब चार को दे दिया। अब देखो, बाएं से छठे, ठीक है, दाएं से पांचवे, दाएं से चौथे, चार को दे दिया। तो कुछ नहीं करना, इजी है। बस क्या बोले थे कि पहले वाला से ही कंपेयर करना है, पहले वाला से कंपेयर करना है, जितना बाएं रहे सबको घटा देना है, जितना दाएं रहे जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं, जैसे कि लेफ्ट हो गया, बाएं हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से कितना है, छठा नंबर है। फिर राइट है, तो राइट के क्या करते हैं, घटाते हैं, दाएं घटाएंगे तो पाँच आएगा, पाँच घटाएंगे तो फिर क्या करेंगे, देखो सॉरी यहाँ पे देखो बाएं है और दाएं है, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना, पाँच आएगा। अब बताना फिर हो गया कितना है, यहाँ पे भी जुटेगा, बायां दायां है, फिर चार जुटेगा, फिर देखो बायां है, तब बायां है तो चार घट जाएगा, तो चार घट के कट जाएगा, चार घटेगा, प्लस माइनस कटेगा। फिर लेफ्ट से कितना आया, ग्यारह नंबर कौन है दोस्तों, के, ग्यारह नंबर कौन है दोस्तों, के आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं दोस्तों, बस समझो कि ग्रुप डी NTA बिहार पुलिस यूपी पुलिस, ये तो ज़्यादा लेवल हो गया, इससे कम लेवल ये पूछता है खाली सिर्फ दूगो वाला, यहाँ से तक पूछेगा कि अंग्रेजी बनना वाला कौन सा अक्षर दाएं से छठ में के दाएं से पचवा होगा, बस दूगो वाला, पांच गो वाला तो चार गो वाला तो कुछ भी नहीं करता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, पढ़ाने के बाद अगर आज भी पढ़ाते हैं तो आज पढ़ लेने के बाद नोट्स बनाने के बाद बुक उठा के देखो, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन बनेगा। आज लगभग 50-60% खत्म हो जाएगा, 50% कल खत्म हो, दो वीडियो में खत्म कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरा चैनल के मैथ बाई नीतीश रो के सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से मेरा जब पढ़ाएंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, जब अपलोड करेंगे वीडियो तो नोटिफिकेशन जाएगा, तुम देख सकते हो। ठीक है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक, और शेयर भी साथ साथ कर दो। देखो दोस्तों आगे देखते हैं, नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया दोस्त। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये अलग टाइप का था, अब ये अलग टाइप का देखते हैं। टाइप नंबर 2 हो गया, टाइप नंबर 2 अब यहाँ से हो गया, टाइप नंबर दूसरा हो गया, टाइप दूसरा हो गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से छठा
और चौथा चौथा यहाँ पे बाएं से चौथा चौथा ठीक है, और बाएं से अठारहवां, और बाएं से अठारहवां, अठारहवें अक्षर के ठीक ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। आप बताना दोस्तों, टाइप दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, हाँ देख, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से अठारहवें अक्षर के ठीक बीच में होगा, बताना ठीक बीच में, यानी कि बीच में पूछ रहा है। अब बताना, जैसे बीच के मतलब बताते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, डी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब बताना दोस्त कि ए बी सी डी ई में पांच गो लेटर है, इसमें बीच में कौन है, तो देख के बता देंगे बीच में ये है, बता देंगे ना। तो बताना कि 26 को लेटर है, 26 को ही पूछेगा कि बीच में कौन है, तो बीच में कौन कौन है, एम आई एन, ठीक है, एम आई एन है बीच में। तो अब देखते हैं कि अगर बाएं से छठ में और बाएं से अठारह में पूछा कि ठीक में पूछ रहा है, तो बीच में, तो क्या करेंगे, बीच के मतलब एवरेज जानता होगा, एवरेज तो एवरेज होता है क्या, जैसे कि एवरेज बराबर नंबर ऑफ योग बटा टोटल नंबर ऑफ संख्या, यही है। जैसे कि देखो एवरेज निकालना, एक दो तीन चार पाँच, इतना एवरेज है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, संख्या का योग, जैसे कि एवरेज निकालने के लिए एवरेज बराबर कहते हैं संख्या, संख्या का योग बटा नंबर ऑफ संख्या, यानी कि संख्या का अति नंबर की संख्या का योग बटा जितना नंबर है जितना संख्या, टोटल संख्या यानी कि पूरा संख्या, संख्या ठीक है, पूरा संख्या। देखो संख्या का योग, तो संख्या का योग कितना हो गया, 5 4 9, 9 10, 10 5 15, 15 हो गया, और 5 की वो संख्या है, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 5 से भागा देते हैं, ठीक है, तो कितना आंसर होगा, 3 होगा, ठीक है। तो एवरेज यही पूछा है कि 18 और 16 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अगर बीच में क्या आएगा, ये देखते हैं, कि यहाँ पे है दोस्तों बाएं से छठी और बाएं से अठारहवीं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ठीक बीच में, ठीक ना, ठीक बीच में पूछ रहा है, तो ठीक बीच में पूछने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है, दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक। इन्हें कि यहाँ पे बाया है, यहाँ पे बाया है, तो 16 6 में से 18 को घटा देंगे, ऐसा नहीं बात है, ठीक, नहीं घटाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों के अति करेंगे, देने के अति करेंगे, ठीक ना, दोनों क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो दोनों यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाएं है, बाएं से कितना है छठा, ठीक है, तो परिवहन से कहाँ है, बाएं, बाएं से कितना है 18, ठीक है, 18 है, ठीक है। तो आंसर क्या है, पहले वाला से लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट से आंसर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट से आंसर लेंगे, तो 6 है, तो 6 है, और यहाँ पे 18 है, 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, और जो वो संख्या है देखो 6 है और 18 है, तो दो को संख्या है दोनों के, तो दो से भागा दे देंगे, तो बताना लेफ्ट से आया कितना, 18 6 कितना हो गया, 18 6 24,
24 में से 2 गया कितना हो गया 12, समझ में आया। तो L से आ गया कितना 12, ठीक है, L से आ गया 12, तो L से 12 हो गया। तो 12 नंबर कौन है दोस्तों, लेफ्ट से। तो 12 नंबर कौन दोस्तों, L, L हो गया आंसर। ऐसा करते हैं दोस्तों, समझ में आया होगा। अब यहाँ से कल से स्टार्ट करते हैं, तो कल मिलते हैं दोस्तों 4 बजे लगभग, ठीक है। और मेरा चैलेंज कौन सी है, मैथ वाई नीतीश रो, इसको सब्सक्राइब जरूर करो और यहाँ से बढ़िया बढ़िया वीडियो प्राप्त करो, ठीक है। ओके बाय दोस्तों।